राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले की जिस तरह से और जिस वजह से हत्या की गई है, उसने आतंकवाद के नए चेहरे को देश के सामने बेनकाब कर दिया है। आतंकियों के हाथ में अब AK-47 नहीं है और ना ही वो बस में, ट्रेन में और या फिर किसी भी जगह बम प्लांट कर रहे हैं, बल्कि अब ISIS मॉडल की तरह हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर नहीं हैं, बल्कि भीलवाड़ा और करौली जैसे छोटे शहर हैं। लेकिन इन आतंकियों का मकसद अब भी वही है, पूरे देश में नफरत, दहशत और दंगे फैलाना और भारत को बदनाम करना। इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में 4-5 आतंकी और कट्टर संगठन एक्टिव हैं, जिनके 500 से ज्यादा टेरर प्रोफेसर, 1500 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए आतंक के क्लासरूम चला रहे हैं। ऑनलाइन दंगों का सिलेबस अपलोड किया जा रहा है, स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें बेरोजगारों से लेकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इस साल हिंदू नववर्ष पर निकाली गई रैली के दौरान करौली में प्री प्लान दंगे हुए, जिसमें बाहर से आए दंगाइयों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। अक्षय तृतीया और ईद के दिन जोधपुर में बाहर से आए दहशतगर्दों ने दंगे भड़काए। इसके बाद भीलवाड़ा में युवक की हत्या से माहौल बिगाड़ा और दावा है कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मकसद भी देश में दंगे भड़काना ही था। उदयपुर हत्याकांड में पाकिस्तान के दावत इस्लामी का नाम सामने आया है। कहा जाता है कि दावत इस्लामी का असल मकसद भारत में दहशत फैलाना है। ये संगठन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर समेत कई शहरों में एक्टिव है। सोशल मीडिया पर ये आतंकी संगठन इस्लाम के नाम पर भड़काऊ पोस्ट और वीडियो डालकर ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पाकिस्तान से बॉर्डर और शांत माहौल के कारण राजस्थान आतंक का सॉफ्ट टारगेट बन गया है। इंटेलिजेंस और एजेंसियों के नजरिए से भी राजस्थान में अलर्ट कम रहता है। सरकार और जांच एजेंसियों को इस ओर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। उदयपुर हत्याकांड का PFI से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। देश के कई राज्यों में हुए दंगों में इस संगठन का कनेक्शन पाया गया है। कहा जाता है कि इस संगठन का केरल मॉड्यूल ISIS के लिए काम करता है। PFI झारखंड में पूरी तरह से बैन है, लेकिन ये राजस्थान में एक्टिव है। PFI मेवात, हाड़ौती और जोधपुर में ज्यादा एक्टिव है। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया पूरे देश में बैन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की पड़ताल में कई मौकों पर सामने आया कि PFI ही सिमी का कन्वर्टेड रूप है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।